लग्जरी विला इन पंचकूला चंडीगढ़, 50x90 के हाउस डिजाइन। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। आपने देख लिया इस घर के ब्रीफ ग्लिम्स। अभी ये जो घर है पंचकूला की बिल्कुल पॉश लोकेशन के अंदर है, बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ, और 50x90 के हाउस डिज़ाइन में कैसे आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा देख पाएंगे। अगर जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, तो अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। अभी ये जो इसकी डिमेंशंस की बात करूँ घर की, जो 50 की चौड़ाई में और 90 गहराई में, तो 50x90 तकरीबन 4500 स्क्वायर फीट, और ये जो घर बना हुआ है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट आपका घर बना हुआ है प्रॉपर। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन के पास पंचकूला के अंदर मिल सकता है। आप देखिए पहले इसकी फ्रंट एलिवेशन। अब फ्रंट एलिवेशन में हमारा प्रॉपर जो आजकल की ब्लैक टाइलिंग का वर्क है, वुडन टाइलिंग, वाइट का अच्छा अमलगमेशन किया है, प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल का लुक है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। आपने देख लिया इसकी फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है। अभी ये जो घर है प्रॉपर 50 फुट की चौड़ाई में है, तो 15 फुट का हमने मेन गेट रखा है और 35 फुट हमने गार्डन के लिए स्पेस रखा है, तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर हमने प्रॉपर ग्रेनाइट का वर्क किया हुआ है, आप देखिए कितना सुंदर ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है। और यहाँ पर प्रॉपर हमारे गेट हैं, 6 फुट की हाइट तक हमारे ये गेट हैं, और अच्छा सुंदर गेट है 35 फुट का, तो 15 फुट हमने ये गेट का डिज़ाइन है। और ये क्या है कि मूवेबल गेट है, मतलब आपका रिमोट के साथ खुलता है, और ये छोटा सा हमने तकरीबन 4 फुट का ये गेट छोड़ा हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ आप चलेंगे इस घर के अंदर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश। ये तकरीबन 15 फुट की चौड़ाई में है और 50 फुट लंबा, तो बहुत ही शानदार हमारा प्लेग्राउंड की टाइप हमारा यहाँ पे पॉश एरिया, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का वर्क किया हुआ है, और घर के अंदर ही आपके तकरीबन 4 SUV गाड़ी घर के अंदर ही पार्क हो जाएंगी, तो बहुत ही शानदार लोकेशन और बहुत ही शानदार। और यहाँ पर हमने प्रॉपर एक गार्डन सा एरिया बना रखा है, प्रॉपर गार्डन, मेंटेन्ड गार्डन है। आपको देखिए कितना सुंदर यहाँ पे मेंटेन्ड गार्डन बाहर को निकला हुआ है, 35 फुट की चौड़ाई में, और 10 फुट लंबा हमारा मेन गार्डन है जो आपको इसी तरीके से मिल सकता है। कितनी सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर ब्लैक, जो आजकल की ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल लाइट्स हैं, तो रात के नज़ारा बिल्कुल अलग ही होगा। यहाँ पर भी प्रॉपर मतलब अच्छी टाइलिंग का वर्क है। यहाँ पर जो स्टेयर्स जा रही हैं अलग से ही, ओपन स्टेयर्स हैं जो अलग से ही जा रही हैं, वो दिख नहीं रही, लेकिन हमने फ्रंट एलिवेशन को उसको इस तरीके से छुपा दिया गया है, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे हमारा प्रॉपर नीचे ग्रेनाइट का वर्क है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बना रखे हैं, और फ्रंट एलिवेशन में प्रॉपर यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, और अच्छा काम किया गया है जो हमारी स्टोन क्लैडिंग का वर्क है। तो कितना सुंदर आपकी यहाँ पे देखिए कितना सुंदर अमेजिंग ये स्टोन क्लैडिंग का वर्क है, प्रॉपर हमारी टाइलिंग अच्छी लगी हुई है, और वो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, तो जो रात को जलेगी तो बहुत ही सुंदर लगती है। और यहाँ पर भी प्रॉपर वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में हमारा पॉश एरिया, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं, आप घर को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे जो हमारा एलिवेशन के साथ में 2 स्टेप्स लेके हमारा यह मेन डोर है, तो मेन डोर भी हमने प्रॉपर वुड का काम किया, जो पाइन वुड का अच्छा काम किया गया, जो टीक वुड के अंदर हमने प्रॉपर पॉलिशिंग कर रखी, ल्यूवर के साथ ये, तो मेन गेट के अंदर ही हमने इसको अमलगमेट कर दिया गया है। तो 11 फुट की ऊंचाई पे हमारी जो मेन गेट आ रहा है पूरा का पूरा 11 फुट की ऊंचाई में, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमने मेन हैंडल लगा रखा है, और पुश बटन के साथ जो आजकल की मतलब कार्ड हैंडल और हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ इसी तरीके से आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकैट अंशुल, सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है एक वाव फैक्टर। क्या जबरदस्त घर है, क्या अमेजिंग घर है, मतलब मेरा सपनों का घर ऐसा ही होने वाला है, और मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं यार कपड़े लेकर यहाँ पर रहना शुरू कर दूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं आप सीरियस बहुत रहते हो वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो के अंदर बहुत ही अमेजिंग घर है, मज़ा आ गया देख के। जिसको आप पूरा का पूरा घर को विजिट करना चाहते हैं, तो अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। आप ये देखिए इसके अंदर हमारा ओपन टू स्काई गार्डन है, बिल्कुल मिडल ऑफ द घर के अंदर। हमारे पीछे हमारे साथ में यहाँ पर लिफ्ट है, तो बहुत ही शानदार लिफ्ट जो हमारी टॉप फ्लोर तक जाएगी। मंदिर है, पीछे लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम एरिया, किचन है, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस एरिया को, फिर हम चलेंगे इसकी ड्राइंग रूम को।
फ्रेंड जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते थे, ये हमारा फॉयर एरिया तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में ये हमारा फॉयर एरिया आपको नजर आ रहा है। तो बहुत ही शानदार ये घर है, नीचे प्रॉपर इटालियन मार्बल का वर्क है। तो इटालियन मार्बल सबसे कॉस्टली मार्बल जो आता है। अब इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ जाता है हमारा प्रॉपर ड्राइंग रूम एरिया। तो बहुत ही शानदार हमारा यहाँ पे सोफा सेट पड़ा हुआ है, मॉडर्न लुक के आजकल की जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है उस तरीके से किया हुआ है। जो ओपन गार्डन मैं आपको बता रहा था मिडल ऑफ द घर के अंदर, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपका यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं बीच में और यहाँ पे आपका ओपन गार्डन है। तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, पैसा खर्चा हुआ है इस घर के अंदर, वो आपको प्रॉपर नज़र भी आएगा। ड्रीम होम आपका हो सकता है अगर जो आपने खरीदना है, तो अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। अब साथ में ये देखिए प्रॉपर पार्टीशन किया है ग्लास के साथ, वुड के साथ। इसके साथ ही आ जाता है हमारा ये देखिए कितना सुंदर हमने कर्टन्स का डिज़ाइन है, जो एल्यूमिनियम की हमने वर्क किया हो गया, प्रॉपर एल्यूमिनियम की आजकल जो पार्टीशन चल रही है। यहाँ पर ये कर्टन्स का डिज़ाइन प्रॉपर जो आजकल की मॉडर्न लुक में चल रहा है, ये हम इसी से खोल सकते हैं प्रॉपर। ये देखिए ये प्रॉपर खुल रहा है और इसी से ये रिमोट से ही बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है इसका, ये देखिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो कर्टन्स का डिज़ाइन इसी के साथ और ये इसी से खुल भी जाएगा। तो ये प्रॉपर हमारा मॉडर्न लुक का कर्टन का डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने प्रॉपर रॉड लगा देनी है, अपना जो मॉडर्न लुक की रॉड्स आ सकती हैं बिल्कुल पार्टीशन के पीछे आ जाएंगी। और जो मेरे को सबसे बढ़िया काम है कि मॉडर्न लुक में जो हमारा फॉल सीलिंग का काम चल रहा है इसी तरीके से किया गया है, लाइट वाइटिंग का वर्क बहुत ही अमेजिंग। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। मैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि फ्रंट एलिवेशन के सामने घूम रहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा बेडरूम है ये तकरीबन 15 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा हमारा बेडरूम है। देखिए कितना शानदार यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, कर्टन्स प्रॉपर रॉड के साथ में है। जो मैंने आपको बताया था कि फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हमने बिल्कुल आगे से थोड़ा सा एक्सट्रीम कर रखा है और पीछे आपकी कर्टन की रॉड छुप जाती हैं। तकरीबन 11 फुट की ऊंचाई पे हमारे कर्टन के रॉड, यहाँ पे हमने प्रॉपर एल्यूमिनियम का मैश डोर दे रखा है और हमारा प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम है। तो आजकल के मॉडर्न लुक के डिज़ाइन के साथ में ये चला हुआ है। 6 फुट की ऊंचाई पे हमने इसका मेन हमारा बेडरूम का प्रॉपर एरियाज हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल ही नॉर्मल और स्लीक डिज़ाइन, एलिगेंट डिज़ाइन जो आजकल चल रहा है उसी तरीके से। यहाँ पर हमारा LED TV यूनिट का डिज़ाइन है प्रॉपर, हमने ल्यूवर्स के साथ में और विनियर का कलर और यहाँ पे प्रॉपर डिको पेंट का काम, तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में। नीचे जो हमारा सारा का सारा इटालियन मार्बल का काम है और यहाँ पर हमारा एक एरिया जो अलग से दे रखा है कि हमने हमारा रेस्ट रूम या मतलब सोफा सेट हमने प्रॉपर रख रखा है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में हमारा फर्स्ट बेडरूम है। तो बहुत ही आलीशान व्यूज़ आप देखिए इसको। फ्रेंड इसके साथ ही आया था हमारा अटैच ड्रेसिंग एरिया, तो जो कि बहुत ही शानदार ड्रेसिंग एरिया। आप देखिए कितना सुंदर हमारा ड्रेसिंग एरिया, ये हमने प्रॉपर जो आजकल की मॉडर्न लुक में हमारे ड्रेसिंग मतलब वार्डरोब चल रहे हैं इस तरीके से है कि आप अपना बाहर से पुल हैंडल से आप इसको खींच सकते हैं। यहाँ पर आपके छोटे छोटे आपके बटन्स वगैरह या आपके सारे के सारे चीज़ों के लिए प्रॉपर हमने स्पेस बना रखा है। यहाँ पर भी ये पुल हैंडल के साथ आपकी हैंगर्स हो जाएगी, तो बहुत ही शानदार। और अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, तो बहुत ही शानदार हमारा ये ड्रेसिंग एरिया। और यहाँ पे वास्तु फ्रेंडली का ये रहता है कि फ्रेंडली की हमेशा हमारा ड्रेसिंग या मिरर नहीं होना चाहिए, तो मिरर हमने अलग से रखा है। इसके साथ ही आया था अटैच्ड वॉशरूम जिसमें हमने ड्राई वेट एरिया का प्रॉपर ध्यान रखा है। ये हमारा प्रॉपर मतलब वैनिटी एरिया है, यहाँ पर हमारा वेट एरिया के साथ में ये हमने प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा। इसमें यहाँ पे हमारा पार्टीशन के साथ हमने ये देखिए प्रॉपर पार्टीशन के साथ हमारा ड्राई और प्रॉपर हमारा वेंटिलेशन का काम है और अच्छा हमने शॉवर का काम किया। तो बहुत ही शानदार और अच्छा एलिगेंट डिज़ाइन, नॉर्मल लुक में मॉडर्न लुक डिज़ाइन आप देखिए इसके। जो इसका
सबका बेस्ट पार्ट है, देखिए स्टेयर्स जो हमारी घर के अंदर से ही जा रही हैं, इंटरनल स्टेयर्स हैं और बाहर से भी स्टेयर्स हैं, तो प्रॉपर स्टेयर्स हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर काम किया है, हमारा इटालियन मार्बल का अच्छा टीक वुड का डोर्स है और ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्या है कि हमेशा वास्तु में यही रहता है कि क्लॉकवाइज आपकी स्टेयर्स जा रही हैं, तो बहुत ही शानदार। और इसके साथ ही आता है हमारा एक स्मॉल सा गेस्ट वॉशरूम, जो होता है कि लोगों को कि कहाँ पर हमारा गेस्ट वॉशरूम है, तो यहाँ पे हमारा गेस्ट वॉशरूम है। यहाँ ये तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा हमारा गेस्ट वॉशरूम है, और अच्छा हमने टाइलिंग का वर्क किया है, प्रॉपर जो आजकल की गुड लुक की टाइलिंग है, ग्रीन टिंच का पिंच है, आप देखिए इसके वॉशरूम को। के जो बेस्ट पार्ट है इसका, बिल्कुल ही जबरदस्त चीज है इसका, जो बेस्ट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है हमारा ओपन गार्डन एरिया, बिल्कुल ही अमेजिंग ओपन गार्डन एरिया। आप देखिए कितना शानदार यहाँ पे हमारा अंदर, ये हमारा आ गया है ड्राइंग रूम एरिया, यहाँ पे हमारी प्रॉपर जो हमारी स्टेयर्स जा रही है और टॉप तक जो हमारा है प्रॉपर, कितना सुंदर हमारा गार्डन एरिया फ्रेंड्स। इसका ये बेस्ट पार्ट ये है कि ये ओपन टू स्काई है। अब ओपन टू स्काई में क्या है कि हमने ये प्रॉपर गार्डन एरिया बना रखा है, नीचे ब्लैक ग्रेनाइट का वर्क किया है, यहाँ पर हमने प्रॉपर स्टोन क्लैडिंग का वर्क है, जो महंगी वाली स्टोन क्लैडिंग है टिल 30 फीट ऑफ हाइट कर, यहाँ पर भी हमने ब्लैक ग्रेनाइट का अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क। और इसका जो बेस्ट पार्ट है ये ओपन टू स्काई है। अभी ये देखिए जो आपका बंद है ये एरिया, प्रॉपर आप टॉप पे जाएंगे बंद है, अब मैं रिमोट से इसको खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, अभी ये आराम आराम से थोड़ा खुलता है, ये देखिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये खुलने का पॉइंट, तो ये खुलेगा प्रॉपर, खुल जाता है ओपन टू स्काई एरिया, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर आपको अपनी कैमरा स्क्रीन के ऊपर नज़र आता रहेगा, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है, आप देखिए। हमारा डाइनिंग एरिया, तो बहुत ही शानदार डाइनिंग एरिया है, ये तकरीबन हमारा 15 फुट की चौड़ाई में और 30 फुट लंबा एरिया है, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर घर का है, तो बहुत ही ड्रीम होम आपका होने वाला है। तो यहाँ पर भी अच्छा हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, यहाँ पे आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगा, नीचे इटालियन मार्बल का वर्क। इसके चलते हम किचन की तरफ, इसके किचन एरिया कितना शानदार किचन एरिया, ये हमारा तकरीबन 15 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबी हमारी प्रॉपर किचन है, यहाँ पर हमने जो आजकल की प्रॉपर क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क है और यहाँ पर अच्छा वुड का काम है, तो बहुत ही अमेजिंग आपको ये सारा घर विद अप्लायंसेस एज इट इज़ मिल सकता है। और ये देखिए प्रॉपर चिमनी एरिया, ये अभी अच्छा काम किया गया हमारा गैस हॉब्स का, ये हमारी प्रॉपर यहाँ पर सिंक है, यहाँ पर आपके डबल डोर का फ्रिज पहले से ही पड़ा हुआ है, सारे के सारे अप्लायंसेस आपको इसी तरीके से मिल सकते हैं, प्रॉपर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन किया गया, तो अमेजिंग हमारी किचन है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा, कैमरा मैन को भी बुलाऊंगा, क्योंकि क्या है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ में ही यहाँ पर हमारा प्रॉपर फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, नॉर्मल का नॉर्मल लुक, और इसका हमने साथ में बना रखा है अपना एरिया जो कि हमारा एक वॉशिंग एरिया, मतलब हम पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, तो ये हमारा वेट एरिया हमने प्रॉपर अलग से बना रखा है, इसमें हमने ब्लैक ग्रेनाइट का अच्छा काम किया गया है, नॉर्मल हमारा है, ये सारे के सारे पीसीज हैं, तो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। इसके साथ ही जैसे जो भी सारी स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे सॉफ्ट टच के अंदर हम इनक्लोजर्स दिए हैं, प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको इसी तरीके से मिलेंगे, सारे के सारे सॉफ्ट टच में है, तो ये सारे के सारे ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ में वीनियर कलर का कलर, बहुत ही अमेजिंग वर्क्स। अब चलेंगे इसकी लिविंग एरिया की तरफ, जो पीछे दिख रहा है बिल्कुल हमारा मंदिर है, इसमें हमने डीको पेंट के साथ गणेश जी की प्रतिमा बना रखी है, तो बहुत ही शानदार, और एसी का वर्क, पूरा का पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो बहुत ही अमेजिंग है। उसके साथ ही आता है हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पर हम आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे एल शेप सोफा लगा हुआ है और ये तकरीबन 15x20 का बहुत ही शानदार, यहाँ पर भी LED TV यूनिट कितना शानदार है, डीको पेंट के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा, और अच्छी नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, कोई भड़कीला काम नहीं, जो मॉडर्न लुक में डिज़ाइन चल रहे हैं इसी तरीके से विद AC फिटिंग्स एंड ऑल। यहाँ पर हमारा प्रॉपर मैश डोर का काम है, जो बैक कोर्टयार्ड है जिसमें हमने मैश डोर का काम किया गया है, एल्यूमिनियम का वर्क है, हैवी प्रोफाइल एल्यूमिनियम का वर्क जो इस तरीके से चलता है, तो प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स। और इसके साथ ही आता है हमारा बैक कोर्टयार्ड, जहाँ पे हम अपना वॉशिंग एरिया वगैरह रख सकते हैं, तो वॉशिंग एरिया है, बैक कोर्टयार्ड
तो यहाँ पे हमने प्रॉपर ग्रे टाइलिंग का वर्क किया गया है। यहाँ पे हमारे प्लांट्स ऐसे ही लगे होंगे, सारे के सारे हमारे एसी यूनिट्स इसके अंदर आ रखे हैं। तो अमेजिंग घर है, ड्रीम होम है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं पर रह लाऊं भाई, बहुत ही अमेजिंग वर्क। आप देखिए इसके कोर्टयार्ड को। बैक कोर्टयार्ड के व्यूज को अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम, जो ग्राउंड फ्लोर पे टू ही बेडरूम्स हैं। इसके सेकंड बेडरूम है तो एक प्लेग्राउंड की तरह है, मतलब यहाँ पे बंदा क्रिकेट भी खेल सकता है भाई साहब, इतना बड़ा हमारा बेडरूम एरिया है। यहाँ पर ये तकरीबन 20x15 का बहुत ही शानदार हमारा बेडरूम है। यहाँ पे किंग साइज बेड लगने के बावजूद कितनी स्पेस है, देखिए तकरीबन 8 फुट की ऊंचाई पे तो हमने इसकी कुशनिंग कर रखी है। यहाँ पे हमारे डिको पेंट के साथ हमने साथ में इसकी चीज़ें बना रखी हैं, प्रॉपर मीनियाज एंड ऑल। पर यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारा डिको पेंट के साथ, हमारा LED TV यूनिट ल्यूबर्स का काम, तो पैसा खर्चा हुआ है, आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। और अच्छा काम किया गया है हमारा, सारे के सारे हमारे AC यूनिट्स भी पहले से हैं, तो वास्तु फ्रेंडली चीज़ें बना रखी हैं। सारा का सारा घर बहुत ही शानदार। और इसके साथ ही हमारा आ जाता है ये हमारा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर प्रॉपर हमने पूरे के पूरे वार्डरोब्स बना रखे हैं, ओवरहेड तक बना रखे हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं। ये भी जैसे मैंने पहले दिखाया था प्रोफाइल लाइटिंग के साथ आपको इसी तरीके से मिल सकता है। बहुत ही शानदार हमारा कोट हैंगिंग की जगह है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं। आप देखिए इसके साथ ही आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया, तो प्रॉपर हमने इनक्लोज्ड ग्लास के साथ, जो आजकल के मॉडर्न लुक के ग्लास हैं उस तरीके से हमने टफ एंड ग्लास के साथ हमने ड्राई और वेट एरिया का काम किया हुआ है। ओपन टू स्काई है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है और अमेजिंग वर्क्स हैं। यहाँ पे भी अच्छा वैनिटी का काम है, घर पे ही बनाई है वैनिटी, जो बाहर की वैनिटीज होती हैं बहुत हल्की हैं, यहाँ पे अंदर ही होममेड बना रखी हैं प्रॉपर डीको पेंट के साथ, अच्छा काम प्लाई के अंदर, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स। आप देखिए ग्राउंड एरिया के व्यूज़ को, अब ये यहाँ पर प्रॉपर लिफ्ट है, वर्किंग में है, यहाँ पे हमें इंटरकॉम भी लगा हुआ है, तो प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल के लुक में है। अब यहाँ पे इसके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा प्रॉपर इंटरनल स्टेयर के साथ ये जो घर है, आउटर स्टेयर भी मैंने जो दिखाई थी वो भी आपको मिलेंगी, लेकिन इंटरनल स्टेयर के साथ ये प्रॉपर घर है। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर प्रॉपर इटालियन मार्बल में हमने स्टेयर्स बना रखी हैं, तो बहुत ही शानदार, और यहाँ पर वुड का अच्छा काम किया है, तो अमेजिंग वर्क्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आता है हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का, कितना शानदार व्यूज है, मतलब मजा आ रहा देखने में भी आपको, इतना अमेजिंग वर्क है। ये देखिए जो मैं ओपन टू स्काई दिखा रहा था, इधर से ही आप कर जो स्टोन क्लैडिंग का वर्क है, ओपन टू स्काई एरिया, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क है। आप देखिए कितना शानदार व्यूज है। और उसके साथ ये आता है हमारा लिविंग एरिया, यहाँ पे आपको बैठ के चाय पीजिए आराम से, ओपन टू स्काई में आपकी मतलब ऑक्सीजन लेवल भी ख़त्म नहीं होगा, तो बहुत ही अमेजिंग, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कितना शानदार ज़बरदस्त घर है। और यहाँ पर भी अच्छा हमने LED TV यूनिट के साथ डिज़ाइन किया हुआ है, ये प्रॉपर डीको पेंट के साथ टी पट्टी का काम किया गया है, तो अमेजिंग स्ट्रक्चर है। सारा का सारा इटालियन मार्बल चमचम कर रहा है, देखिए आप कितना सुंदर इटालियन मार्बल का वर्क है। यहाँ पे छोटी सी एक पेंट्री है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे ना जाएं, कि रात को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे हैं, तो यहाँ पे पेंट्री यूनिट छोटा सा बनाया है। यहाँ पर भी अच्छा हमने मतलब सिंक का काम किया, जो माइक सरमाइका की सिंक होती है उस तरीके का काम, प्रॉपर अमेजिंग वर्क। ये जो हमारी लिफ्ट आ रही थी इस तरीके से है, और यहाँ पर भी अच्छा जो टॉप फ्लोर को व्यूज आ रहे, तो कितना ज़बरदस्त ओपननेस घर दे रहा है। इसके साथ ही आया था हमारा अटैच्ड फर्स्ट बेडरूम, आप इसको ऑफिस एरिया भी बना सकते हैं, तो फर्स्ट अटैच जो बेडरूम है, और ये फ्रंट एलिवेशन के सामने घूम रहा हूँ, फ्रंट एलिवेशन में भी बहुत ही शानदार। यहाँ पे क्या है कि जो मैं आपको स्टेयर्स दिखा रहा था, ये फर्स्ट फ्लोर तक आ रही हैं, अंदर बाहर से ही स्टेयर्स आ रही हैं फर्स्ट फ्लोर तक, जो मैं आपको स्टेयर्स दिखा रहा था, तो फर्स्ट फ्लोर तक स्टेयर्स आ रही हैं। यहाँ पर भी अच्छा टफ एंड ग्लास का काम है, प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ आपको हमारा कितना शानदार, आप यहाँ पर बैठ के चाय पीजिए, अपना खेलिए कूदिए, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर भी एक फ्रंट एलिवेशन के साथ में बेडरूम है, तो अमेजिंग स्ट्रक्चर। सारे के सारे हमने अच्छी टाइलिंग का वर्क किया गया है, कितनी सुंदर टाइलिंग, आप देखिए जो 4x8 की टाइलिंग चलती है उस तरीके का काम, अच्छा वर्क, और वुडन का अच्छा ल्यूवर्स का काम, अमेजिंग स्ट्रक्चर, मन ही नहीं ख़त्म हो रहा सब एक्सप्लेन करते करते। आप देखिए फ्रेंड्स,
देखिए कैमरा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कितना स्पेस है, तकरीबन ये 20-25 फुट का स्पेस आपको नजर आ रहा है। तो 50x90 के अंदर बहुत ही शानदार हमने घर का डिज़ाइन कर रखा है। अब चलेंगे इसकी थर्ड बेडरूम की तरफ, देखिए कितना शानदार बेडरूम है ये। और यहाँ पर भी हमने प्रॉपर किंग साइज बेड लगने के बावजूद कितना अच्छा स्पेस है, अच्छा कुशनिंग का डिज़ाइन है, 5 फुट तक की कुशनिंग हमने कर रखी है, प्रॉपर बेड हमारा लगा हुआ है, रॉकिंग चेयर आपको इसी तरीके से मिलेगी, प्रॉपर रॉकिंग चेयर के साथ आप आराम से इंजॉय कीजिए। पीछे का व्यूज़ भी ज़बरदस्त है कि पीछे भी हमने एक बैक कोर्टयार्ड छोटा स्मॉल सा बना रखा है जहाँ पे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो स्पेस की तो बिल्कुल कमी नहीं, 50x90 के अंदर आपको ऐसे लग्जरी डिज़ाइन बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अच्छा हमने कुशनिंग का काम किया गया है, हमारा LED TV न्यू टॉप तक है, अच्छा नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, तो अमेजिंग वर्क्स आप देखिए। हमारा ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा मिरर है और ये प्रॉपर हमने वार्डरोब एरिया, तो वार्डरोब में भी हमने प्रॉपर पैसा खर्चा हुआ है। देखिए यहाँ पर अंदर हमने इसको लिफ्ट के साथ, ये जो चल रहा है आजकल इस तरीके की लिफ्ट के साथ आपको वार्डरोब चल रहा है, शटल हैंडल, नीचे भी हमने स्मॉल स्पेसेस के लिए जैसे हमारे आपके शू रैक का है सॉफ्ट टच के अंदर, ये सारे के सारे एनक्लोजर्स हैं, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको इसी तरीके से मिलेंगे, अच्छा काम किया गया है हमारा विनियर का, तो बहुत ही अमेजिंग। इसके साथ ही आ जाए अटैच हमारा वॉशरूम जहाँ पे हमने ड्राई और वेट एरिया का प्रॉपर ध्यान रखा है, प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये देखिए टफ एंड ग्लास के साथ ब्लैक का अच्छा काम, ओवरहेड तक टाइलिंग, मुझे बेस्ट पार्ट यही लग रहा है कि ओवरहेड तक टाइलिंग है, आपका स्पेस की कोई कमी नहीं। और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारा ब्लैक का वैनिटी का, जो वैनिटीज आती हैं मार्केट में वो बड़ी सस्ती तरीके की आती है लेकिन इसमें हैवी वर्क है, घर में ही बनाई है, मतलब यहीं पर बनाई गई हैं वैनिटीज, तो अच्छा काम है। आप देखिए के फिफ्थ बेडरूम की तरफ, तो बेडरूम्स की तो कमी नहीं है इसके अंदर, मतलब तकरीबन 7-8 बेडरूम्स हैं, तो आलीशान घर है और यहाँ पर भी किंग साइज बेड लगने के बावजूद कितनी स्पेस है, मतलब यहाँ पे बंदा आराम से खेल सकते हैं बच्चे वगैरह, और यहाँ पे आप अपना मतलब अलग से कुछ सोफ़ा सेट वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी LED TV यूनिट कितने शानदार है, अलग ही डिज़ाइन के TV यूनिट्स हैं, प्रॉपर ब्राउन कलर का, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का, अच्छा डीको पेंट का काम है, तो और प्रॉपर कुशनिंग की है, तो अच्छा अमलगमेशन किया है। सिमिलरली कलर हमारा कर्टन्स का है, तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रखी है पूरे पूरे घर की है। आपको कुछ नहीं, अपने कपड़े लेके आने हैं और रहना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग घर। और अच्छा हमारा विनियर का काम है यहाँ पे, और ये बैक में हमारी विंडोज़ हैं जो मैं बता रहा था आपको, नीचे भी बैक में भी इसका हमारा एक बैक कोर्टयार्ड वगैरह है, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि सेम ही होती हैं चीज़ें। तो आप देखिए इसके व्यूज़ को, फ्रेंड इसके साथ ही आया था अटैच हमारा ड्रेसिंग एरिया, सिमिलर ही जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था, तो थोड़ा मैं फार फॉरवर्ड दिखाऊंगा, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जो जिस तरीके का ग्राउंड फ्लोर पे था सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आप देखिए। फ्लोर की तरफ जो कि और भी खूबसूरत और भी एलिगेंट है, यहाँ पे देखिए ओपन स्पेस है, यहाँ पे हमने प्रॉपर जो काम किया गया है अच्छा रस्टिक पेंट का काम किया गया है, देखिए ओपन टू स्काई है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स। फ्लोर की तरफ ये हमारा बार यूनिट है, यहाँ पे प्रॉपर बार यूनिट आपका लगेगा, तो अमेजिंग स्ट्रक्चर में बार यूनिट, कितना सुंदर, यहाँ पे आराम से आप बार का एंजॉय कीजिए, आपकी पार्टी एरिया है, यहाँ पे आपकी बॉटल्स वगैरह आ जाएंगी, तो अच्छा बार का यूनिट है। ये आ गया हमारा पार्टी एरिया, या इसको होम थिएटर भी बना सकते हैं, तो बहुत ही शानदार हमने इसके अंदर, देखिए कितने सुंदर हमारे ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ हमारे स्लाइडिंग डोर्स हैं, प्रॉपर ग्लास के साथ दिए हुए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है, देखिए अपने आप में भी मूव हो रहे हैं, पीछे से मूव हो रहे हैं। और साथ में ये आया था हमारा एरिया है जो कि तकरीबन 20x30 का बहुत ही शानदार हमारा एरिया, यहाँ पे आपका LED TV यूनिट भी लग सकते हैं या फिर आप यहाँ पर प्रॉपर अपना प्रोजेक्टर यूनिट भी लगा सकते हैं, AC हमने प्रॉपर पहले से ही फिट करके रखा हुआ है, तो अमेजिंग वर्क्स है। इसके साथ भी प्रॉपर के साथ में ही आता है ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ हमारे सारे के सारे 10 फुट की ऊंचाई तक हैं, तो बहुत ही शानदार हमारा पीछे भी एक कोर्टयार्ड है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं।
कि आप इंजॉय कीजिए यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर पार्टीशन के साथ हमारे हैं, कितना एरिया सुंदर है, और मतलब ग्लास पार्टीशन के साथ हमने किया है, वेटर और ड्राई एरिया। यहाँ पे भी हमारे वॉटरॉप कितने सुंदर हैं। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ आपको इसी तरीके से मिल सकता है। इसके साथ ये आता है अटैच एक और बेडरूम टॉप फ्लोर के अंदर, आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं क्योंकि इसकी स्टेयर्स भी बाहर से ही आ रही हैं। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ आपको अब इसी तरीके से मिल सकता है। जो हमारा ओपन टू स्काई यूनिट था वो यहाँ से आपको नजर आएगा, आप देखिए। शानदार हमारा ओपन एरिया है, कितना अमेजिंग। यहाँ पे तकरीबन ये 20 फुट की चौड़ाई में 50 फुट लंबा, तो 100 गज का तो हमारा टॉप फ्लोर में ओपन एरिया ही है। यहाँ पे शाम को बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहाड़ियाँ आपको यहीं से नज़र आती हैं। इसके बेस्ट पार्ट है पंचकूला का कि पहाड़ियाँ आपको शिवालिक हिल्स यहीं से नज़र आती हैं, कसौली वगैरह की। तो आप देखिए फ्रेंड, मुझे तो ये लग्जरी विला पंचकूला के अंदर बहुत ही शानदार लगा, और एक कनाल के अंदर प्रॉपर आपको लग्जरी व्यू दिया होगा। फ्रेंड्स, अगर जो आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, और अगर जो इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।